अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की है तलाश तो चले आइए नूरी ट्रेडिंग के पास। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने योरवॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं पूर्वी रामकृष्णा नगर नियर चांगण मोड़ पटना, और ये फैक्ट्री है मुन्ना जी की। मुन्ना जी से हम लेते हैं पूरी जानकारी कि क्या मिलता है और आप लोगों को यहाँ से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो मुन्ना जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब मुन्ना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, आपके साथ जुड़ के क्या बेनिफिट मिलने वाला है बताइए, क्या बेच रहे हैं आप? हम तो मिक्सर मशीन बेच रहे हैं। मतलब मिक्सर मशीन आपके पास बनता है? बनता है। तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो मिक्सर मशीन का क्या रेट है और कैसे जाएगा यहाँ से आगे? मिक्सर मशीन का 1,20,000 पड़ता ही है। इस मिक्सर मशीन का 1,20,000? 20,000। ठीक है। और एक एमएस में ये लिफ्ट वाली मशीन है। अच्छा। 2,60,000 रुपये पड़ती है। 2,60,000 का लिफ्ट वाला मशीन है। कितने लिफ्ट तक जा सकता है ये? 5 तल्ला हाइट तक जाएगा ये। 5 तल्ला तक जा सकता है। ठीक है, ये दो मशीन है आपके पास? हाँ जी। इसका रेट कितना है? 1,20,000। 1,20,000। दूसरे वाले का क्या रेट है? 2,60,000। 2,60,000। इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा? नहीं, सब रेट सबके लिए सेम है। सेम है। तो गाइस, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेट की कोई बार्गेनिंग नहीं है, कि जैसा कस्टमर दिखा उसको वैसा काट लिया, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। आप कहीं से भी हैं, रेट सबके लिए सेम रहेगा। अब एक बात बताइए, एक आदमी पटना में लेता है, दूसरा आदमी लेता है बेगूसराय में, तीसरा आदमी लेता है कटिहार में, तो उन लोगों के लिए रेट में क्या अंतर होगा? उसमें कोई अंतर होगा क्या? नहीं नहीं, रेट सेम रहेगा। सेम रेट। तो उसको ले जाने लाने में तो खर्चा जो बढ़ेगा वो तो बियर है, वो उन्हीं को करना पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है आपको वेयर करना पड़ेगा गाइस। और भी जानकारी लेते हैं कि इनकी फैक्ट्री में क्या क्या बनता और भी है। चलिए तो गाइस, चलते हैं अंदर और लेते हैं पूरी जानकारी। हाँ तो मुन्ना जी, अब आगे बताइए और क्या है? हमारे पास वाइब्रेटर मशीन है। ठीक है। जो कि नोजल के साथ मिल जाएगा। अच्छा। और एक मोटर के साथ भी है, एक डीजल इंजन के साथ भी है। ये क्या है? ये नोजल है। ये नोजल है जी, जो वाइब्रेट करके वाइब्रेटर सीमेंट को और उसको मिक्सर को बराबर करता है। ये क्या है? मोटर है, उसी से चलता है। तो गाइस, इस मोटर से ये चलता है नोजल। और ये क्या है? ये भी डीजल वाइब्रेटर है। ये डीजल वाइब्रेटर? हाँ। दोनों में क्या अंतर है? दोनों इसमें तेल खाता है और क्या। और ये वाला बिजली? ये बिजली से चलती है। ये पुराना लग रहा है, ये कैसे? नहीं, रिपेयरिंग के लिए आई है। तो आपके यहाँ रिपेयरिंग भी होता है? हाँ, रिपेयरिंग भी होता है, नया भी हम लोग बेचते हैं। अच्छा अच्छा। तो गाइस, इनके पास हम मैंने आपको दिखाया कि लिफ्ट वाला मिक्सर मशीन है, दूसरा राउंड वाला मिक्सर मशीन है, वाइब्रेटर है, ये सारा कुछ है इनके पास। और भी कुछ है? और हमारे पास ये लेथ मशीन है, जो कि अपने से काम करके मतलब बना के देते हैं। अच्छा। तो मतलब ये लेथ मशीन आप इस पे क्या काम होता है? बैरिंग साइज होता है हम लोग का, इस पे बैरिंग का काम होता है। हाँ, बैरिंग। ये ड्रिल मशीन है? हाँ, ड्रिल मशीन है। मतलब ये आप लोग कर रहे हैं अभी काम? तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सारा कुछ आपके पास खुद का? हाँ, खुद का ही बना हुआ। अच्छा अच्छा। कि ये सामान अगर कोई यहाँ से इसके अलावा कहीं बाहर से लेना चाहे तो वो कैसे लेगा आपके साथ जुड़ के? यानी कि पटना में ना हो, पटना से बाहर हो, वो कैसे लेगा? वो फोटो भेज देंगे यहाँ से। जैसे देखिए, एक तो वो व्यक्ति होगा जो आपके पास आके ले लेगा, बाहर का होगा तो भी आके ले लेगा। ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई हमको फोटो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए और हमको माल भेज दीजिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होता ही है। ऐसा होता है? हाँ। तो वो कैसे लेगा? वो बैंक से अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, उसके बाद बैंक में पैसा आएगा, चला जाएगा माल। अच्छा, मतलब आप उसको फोटो भेज देंगे और उसके बाद वो यहाँ से ले लेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपके पास ये पुराना मशीन रखा हुआ है, ये किस लिए? रिपेयरिंग के लिए। ये रिपेयरिंग के लिए? रिपेयरिंग के लिए। तो रिपेयरिंग भी होता है आपके? हाँ, रिपेयरिंग भी होता है। तो रिपेयरिंग तो लोकल के ही लोग आते होंगे? हाँ, लोकल है, बाहर का भी आता है। अच्छा, बाहर का भी रिपेयरिंग होता है। तो मुन्ना जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि लोग आप तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे यहाँ पहुंचने के लिए दो जगह है, एक ऑफिस है वो वहाँ करबिगैया में। अच्छा। जो कि ट्रेन से आएंगे तो वो नज़दीक है उनको आने के लिए। ठीक है। तो वहाँ भी मिल सकते हैं, नहीं तो फिर फैक्ट्री आने के लिए पूर्वी रामकृष्णा नगर चांगण मोड़ के पास है, तो यहाँ भी आके मिल सकते हैं। अच्छा। अगर कोई देखना चाहे कि मुझे देखना है तो यहाँ आके मिल लेगा फैक्ट्री में, और अगर चाहे डायरेक्ट ऑफिस में विजिट करना तो इनके ऑफिस में जा सकता है। तीसरा चीज़ आपको बताया, अगर आप नहीं आना चाहते हैं, आपके पास टाइम का अभाव है और आप फिर भी लेना चाहते हैं, तो इनके दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये वीडियो कॉल करके या फोटो भेज के आपको दिखा देंगे कि कौन सा मेटल यूज़ करते हैं,
कैसे बनाते हैं सारा डिटेल ये वहाँ पे दे देंगे, आप इनके अकाउंट में पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद ये आपको मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा पूछना चाहूँगा कि अगर कोई पेमेंट कर दिया तो कितने दिन में उसको वो सामान मिल जाएगा? वो एक दिन में। एक दिन में कैसे? जैसे आज पेमेंट कर दिया कल मिल जाएगा उसको। मतलब आज वो पेमेंट कर दिया आपके अकाउंट में तो आप बना बनाए रखे हुए क्या? जी हाँ, मतलब बना बनाए रखा हुआ है, आज आप पेमेंट करेंगे कल ही आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज देंगे। और अगर आप ज़्यादा, सबसे बढ़िया है आप विजिट करिए, इनके मटेरियल को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, उसके बाद देने का कोशिश करिए। अच्छा, दूसरा बोल रहा हूँ कि दिल्ली में आपसे कम रेट में मिल जा रहा है, बाकी बाहर जगह कम मिले तो यहाँ तो और सस्ता मिलना चाहिए। नहीं नहीं, लोहा वहाँ लाइट माल लगाता है। अच्छा, वहाँ 4 mm का ये बनाता है हांडी। अच्छा, 4 mm का हांडी बनाता है। आपके यहाँ कितने mm का है? 12 mm का। तो 4 mm और 12 mm में गाइस 8 mm का अंतर है, तो इसलिए इनका कहना है कि रेट ज़्यादा है, यही बात है रेट। हाँ। अच्छा, तो गाइस इनका कहना है कि हमारा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा हम दे रहे हैं, इस वजह से हम रेट आपसे ले रहे हैं। सबसे बढ़िया है कि आपको, अगर आपको लेना है तो एक बार इनके पास फिजिकली विजिट कर लीजिए, उसके बाद आप भी सेटिस्फाई हो लीजिए कि क्या हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। दूसरा एक चीज़ बात बताइए कि यहाँ से लेने का क्या फ़ायदा होगा, जो दिल्ली से लेने से उसको फ़ायदा नहीं होगा कि रेट में आपसे कम है वो, तो दिल्ली से लेने में क्या उसको नुकसान होगा जो आपसे लेने से फ़ायदा होगा? देखिए, यहाँ से लेने में ये है कि आप नज़दीक में हैं। हाँ। यहाँ से आदमी भी जाके, मतलब कुछ खराबी हो आए तो वो जाके बना देगा। अच्छा। और नहीं तो दिल्ली वाले तो वो आदमी आएगा नहीं बनाने के लिए। हाँ, ये बात ज़रूर है। हाँ। कि दिल्ली से अगर आप लेते हैं या दूर से लेते हैं तो आपको ये समस्या आएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये है पूरा सिस्टम इनके पास, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का काम करते हैं मुन्ना जी, और इनसे जुड़ने के लिए सारा डिटेल हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। नंबर इनका, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, इनसे आप जानकारी लेके यहाँ से खरीद सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की तलाश कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम आपको मैन्युफैक्चरर के पास लाए हैं, इनके फैक्ट्री में, कि आप उसको देख सकें, उसको सोच सकें, समझ सकें। और इसी तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करते रहिए, करिएगा शेयर और सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।